और चलिए अल्मोड़ा की बात करेंगे, जहां के सुयालीधार में बन रहे साइंस पार्क के परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इस मौके पर विभिन्न फलदार, छायादार और चौड़ी पत्ते वाले पौधों का रोपण किया गया है। इस दौरान विधायक मनोज तिवारी ने जनपद वासियों से हरेला पर्व पर अधिक से अधिक पौधा रोपण करते हुए उनको संरक्षित करने का आह्वान किया है। वहीं जिलाधिकारी विनीत तोमर ने कहा कि अगले सप्ताह तक जनपद में बृहद स्तर पर पौधों का रोपण किया जाएगा। वर्ष भर में 3 से 3.5 लाख पौधों लगाने का लक्ष्य रखा गया है। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। हमारे जो चौड़ी पत्ती के वृक्ष पे, चाहे बांज हो, चाहे उतीस हो, चाहे महेल हो, चाहे इनका, और दूसरी ओर जो हमारे जहाँ पर बसासत है वहाँ पर फलदार पौधों का रोपण करना चाहिए, जिससे कि हम हरियाली का भी संदेश दें, पर्यावरण भी संरक्षित रखें और शुद्ध हवा हमारे लोग को मिले। और सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है आज की जो चुनौती है कि जो जल का संचय कैसे हो, तो वृक्षारोपण से कहीं ना कहीं जल का संचय भी होगा और जो हमारे स्रोत हैं, नौले हैं, गधेरे हैं, उनका वो रिचार्ज होंगे। यहाँ हम जो समरा साइंस का सेंटर बन रहा है उसके प्रांगण में आज हम वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं और आज से हम शुरुआत कर रहे हैं अपने जनपद में। अगले एक सप्ताह बृहद रूप से कार्यक्रम किए जाएंगे और इस बार हमारा लक्ष्य रहेगा कि लगभग 3-3.5 लाख हम पेड़ पूरे जनपद में लगवाएँ। तो सभी जनपद वासियों को शुभकामनाएं हैं और जैसा कि जल संरक्षण और वन संरक्षण के लिए आवश्यक भी है, तो सभी से अनुरोध भी है कि अपने स्तर पर सभी लोग आगे आएं और अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ लगाएं।